ज्येष्ठ मास महात्म्य 27वां अध्याय। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया। तब स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर तुम कौन हो। तब यमराज बोले कि हे वरारोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारा पति क्षीणायु है और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषह तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस वरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पाश से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की ऊर्ध्वदेहिक क्रियाकर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे शम नहीं है और ना ही मुझे ग्लानि है। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि सात पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा और पिता के लिए तथा अपने लिए 100-100 पुत्रों के होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी वर मांगा। तदनंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर वटवृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्रह्मन, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोले कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज ने किया था वह सब सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी सत्यवान को बताया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा द्युमत्सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा द्युमत्सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते और ना मिलने पर विलाप करने लगे कि हम दोनों अंधों की लकड़ी समान वह सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नीक वह राजा विलाप करता हुआ दुख से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र, हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्युमत्सेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदनंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, क्या तुम
वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो। तब सावित्री बोली कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इसी कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंदजी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में राजा द्युमत्सेन के पुरवासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पुरवासी आपके पास आए हैं। हे राजशार्दूल, हे प्रभो, आप उठिए और चलकर अपने राज्य का पालन करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यासन पर अभिषिक्त हो। स्कंदजी बोले कि हे विप्रो, वह राजश्रेष्ठ पुरवासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परमानंद के भागी हुए। उनको बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति को भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से क्षीणायु सावित्री का पति जीवित हो गया। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फलदाता है।